हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नवीन इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन। आज हम आपको ये रूम हीटर है जो कि इसका हम करेंगे रिपेयर। तो इसमें प्रॉब्लम ये आया है, ये शॉर्ट सर्किट होके इसका जो लीड है वो कट गया है। तो फ्रेंड्स, हम आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हुआ है जिसकी वजह से इसका जो केबल है वो कट के निकल चुका है। तो इसमें दो यहाँ पे लगे हैं ऑन ऑफ स्विच, एक हो गया हमारे फैन का और एक हो गया हीटर का, यानी कि जो गर्म हवा फेंकता है। तो फ्रेंड्स, इसका जो वायर है, ये वायर है यहाँ से कट चुका है। तो फ्रेंड्स, अब चलिए हम इस वायर को इसमें कनेक्ट करेंगे। पहले वायर को हम चेक कर लेंगे, वायर सही है कि नहीं। फिर पहले हम रूम हीटर को करते हैं ओपन। ओपन करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसके ये देखिए स्क्रू जो लगे हैं, चार स्क्रू, इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो चलिए हम पहले स्क्रू को खोल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हम इसके सारे स्क्रू को स्क्रू ड्राइवर की मदद से सारे स्क्रू को हम कर लेते हैं लूज। तो स्क्रू को हम सब ओपन कर लेते हैं पहले, सारे स्क्रू को। तो इस तरीके से हम सारे स्क्रू को कर लेते हैं ओपन। ओपन करने के बाद हम इस कवर को पहले हटाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये हम चारों स्क्रू को कर लिए ओपन। अब इस हम कवर को करेंगे यहाँ से रिमूव, हटा लेंगे। ये हम इस रूम हीटर के जो पहला कवर है, यानी कि इसका जो ऊपर का कवर है, इसको हम कर लिए साइड में। तो अब हमें करना क्या है, ये हमारा हो गया रूम हीटर। तो रूम हीटर में हम आपको दिखा देते हैं, ये हमारा हो गया कॉइल। तो ये कॉइल लगता है, कॉइल में ये वायर कनेक्ट है, एक वायर यहाँ पे, एक वायर यहाँ पे, और दोनों वायर यहाँ पे हो गया। यहाँ पे हमारा ये हो गया कनेक्ट हो गया, जो कि लगा है ऑटो कट यहाँ पे, ये देख लीजिए, ये हमारा ऑटो कट का वायर हो गया। एक एलिमेंट में इधर लग गया और यहाँ पे हमारा फैन हो गया। तो ये जब फैन और ये हमारा दो ऑन ऑफ स्विच हो गया। तो जो हमारा लीड है, ये लीड है, लीड का वायर हम चेक करेंगे ये कहाँ पे लगा हुआ है। ये हमारा लीड का वायर, एक वायर यहाँ पे है और सेकंड वायर हमारा यहाँ पे कनेक्ट है। तो यहाँ पे जो कनेक्ट है, यहाँ पे हम कट करके टेप करेंगे, क्योंकि यहाँ इसका क्लिप लगा है, क्लिप को नहीं निकालेंगे। और जो दूसरा वायर है यहाँ पे हम कर देंगे कनेक्ट। तो फ्रेंड्स, चलिए हम पहले इसको निकाल लेते हैं थोड़ा। ये पहले हम यहाँ से इसको निकालते हैं, इसको निकालने के बाद हम नया वायर इसका लगाएंगे। इस वायर को हम पहले यहाँ से खोल लेते हैं। इस तरीके से आप वायर को निकाल लीजिए। और एक वायर ये जो लगा है बहुत गंदा है, एक वायर हमें यहाँ पे जोड़ना है केबल का, एक वायर यहाँ पे। तो ये दो वायर है। तो फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ से इसको रिमूव कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, देखिए हम इस वायर को, एक कनेक्टर है जो कि कनेक्टर को निकाल लिए हैं, क्लिप है जो लगता है यहाँ पे। तो अब एक वायर ये हमारा, एक वायर ये दो वायर हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम इस क्लिप को करेंगे बाहर, इस वायर को निकालेंगे। तो फ्रेंड्स, इस क्लिप को हम कर लिए बाहर। अब एक वायर हमें यहाँ पे मेन लीड लगाना है, एक वायर हमें यहाँ पे लगाना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम ये वायर को डिसकनेक्ट कर दिए। अब हमें ये दोनों को आपस में जोड़ लेना है और मेन लीड को लगाना है। चलिए हम मेन लीड को पहले यहाँ पे, मेन लीड जो मेरा है, उस मेन लीड को पहले हम क्या कर लेते हैं, ये छिल लेते हैं। इसको अच्छी तरीके से छिल के हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, एक इसमें एक इसमें। तो फ्रेंड्स, देखिए हमारा ये केबल का दो वायर है, जो कि हमें एक वायर इसमें कनेक्ट करना है, दूसरा में वायर यहाँ पे कनेक्ट करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम पहले इसमें कनेक्ट करते हैं, फिर हमें इस क्लिप में लगाना है, जो कि दूसरा वायर यहाँ पे हमें लगाना है।
तो फ्रेंड्स देखिए, अब हम इस वायर में कनेक्ट कर दिए, इसमें हमें कवर लगाना है और इस वायर में हमें क्लिप लगाना है। क्लिप लगा के हमें इस ऑटो कट में लगा लेना है। तो चलिए हम पहले इसमें कवर लगा के क्लिप लगाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, हम दोनों वायर को किस तरीके से कनेक्ट कर दिए हैं। अब हम ये एक वायर ये अलग हो गया। अब इस वायर को हम इस कनेक्टर में यहाँ पे लगाएंगे, तो इस तरीके से हमें इसमें घुसा देना है। तो चलिए हम इसमें लगा लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम इसमें वायर को कनेक्टर ये जो है लगा दिए और ये हमारा अलग हो गया। अब इसमें हम ये पीवीसी जो है इसको चढ़ा देंगे ऊपर तक। तो फ्रेंड्स देखिए, हम वायर को उसी तरीके से अच्छे से यहाँ तक लगा दिए हैं। अब हम इसमें देंगे सप्लाई। सप्लाई देके फिर चेक करते हैं ये अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसको देते हैं सप्लाई। तो फ्रेंड्स देखिए, हम इसको पावर बोर्ड में लगा दिए हैं। अब इस हम पावर बोर्ड का बटन करेंगे यहाँ से ऑन। ऑन कर दिए, ये हमारा वर्क करने लगा, ये गर्म हवा फेंकने लगा है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप रूम हीटर का रिपेयर घर पे बैठकर कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसके कवर को पहले हम लगा लेते हैं इसमें, फिर अच्छी तरीके से इसको हम टाइट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, हम आपको दिखाते हैं कि इसका कनेक्शन किस तरीके से किया गया है। हम आपको ये भी बता देते हैं, इसके लिए हमें पावर सप्लाई ऑफ कर देना है। यहाँ से ऑफ करके प्लग को निकाल लेना है, फिर हम आपको कनेक्शन के बारे में बता देते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका कनेक्शन जो है हमारे जो ऊपर कटआउट लगा होता है यहाँ पर ओवरहीटिंग का, यहाँ से कटआउट रहता है, ये हमारा कॉमन हो जाएगा। ये वायर हमारा कॉमन हो जाएगा, ये जाके एलिमेंट में लगा होता है। उसके बाद दो वायर यहाँ होगा हमारा 400 वाट का, यानी कि मान लीजिए 1000 वाट, 400 वाट, 500 वाट, कुछ भी मान लीजिए। जो इस तरीके का रूम हीटर होगा उस पे वाटेज लिखा रहता है। जो वाटेज है इसमें 500 500, 1000 वाट का है, दो एलिमेंट लगा है। तो एक वायर ये हो गया, एक वायर ये दो वायर हो गया, दोनों साथ चलाना होता है। जैसे एक सिंगल चला भी सकते हैं, दूसरा भी चला सकते हैं, साथ में चला सकते हैं। यहाँ पे स्विच में लग गया, ये हमारा दो कॉइल का हो गया, एलिमेंट का दो हो गया, दो एलिमेंट लगता है। ये दोनों का वायर हो गया, इसका हमारा ये वाला वायर कॉमन हो गया, एक कॉमन हो गया और इधर दो साइड का स्विच में लग गया। फिर हमारा फैन का दो वायर आता है, एक वायर यहाँ पे स्विच में लग गया, एक कॉमन हो गया। तो और ये ऑटो कट लग गया, ऑटो कट में एक वायर हमारा आ गया मेन लाइट का और उसके बाद दूसरा इस स्विच में लग गया। तो इस तरीके से कनेक्शन है, बहुत ही सिंपल कनेक्शन होता है, आप आसानी से घर बैठे कर सकते हैं। जैसे कनेक्शन करना नहीं आता है, जो भी पार्ट ख़राब है उसको निकाल के जिस तरीके से उसमें वायर कनेक्शन किया है उसी तरीके से सेम कनेक्शन आप करते हैं और घर बैठे आप रूम हीटर को बना सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट ज़रूर करें। नवीन इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।